नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो कोरोना वायरस के वजह से जो डेथ हो रही है उनकी संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी ये जो पैंडेमिक है कोरोना का, इससे बाहर हम कैसे निकले? और जो पेशेंट्स घर में ट्रीटमेंट ले रहे उसमें कौन सी प्रकार की दवाई यूज़ कर सकते, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, और उन्होंने जो पेशेंट्स घर में ट्रीटमेंट करते हैं उनमें एक प्रकार की ट्रीटमेंट दी, और उन्होंने पाया कि वो ट्रीटमेंट 91% पेशेंट्स को घर में ठीक करती है, 91% पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि ऐसी ट्रीटमेंट हम जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को दें तो ये जो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, जो हेल्थ सिस्टम पे इतना बड़ा प्रेशर आया है, ये बहुत मात्रा में कम हो सकता है और बहुत लोगों की जानें बच सकती है। ये ट्रीटमेंट क्या है ये उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। अभी ये रिसर्च क्यों हुआ, तो जो रिसर्चर है उनको ऐसा ध्यान में आया कि जो एडमिट होते हैं पेशेंट्स हॉस्पिटल में, उनमें जो पेशेंट्स को अस्थमा और COPD है उनकी संख्या बहुत कम है। उनको तो पहले लगा कि COPD और अस्थमा के पेशेंट्स ज़्यादा प्रमाण में एडमिट होएंगे, लेकिन उनमें ऐसा पाया कि पेशेंट्स एडमिट के जो प्रमाण है वो बहुत कम है। फिर उन्होंने उसमें रिसर्च किया कि ये क्यों कम हो गया, इनका एडमिशन रेट क्यों एडमिट होने के उनका जो रेट है वो कम है। तो ऐसा पाया कि जो लोग इनहेल स्टीरॉयड लेते हैं तो उनमें जो कोरोना के वजह से एडमिशन का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। फिर उन्होंने ये साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए स्टडी किया, तो उन्होंने जो पेशेंट्स घर में ट्रीट कर रहे हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए को जो रूटीन ट्रीटमेंट रहता है, जो ओरल मेडिसिन है वो दिया, और ग्रुप बी को जो रूटीन ट्रीटमेंट प्लस इनहेल स्टीरॉयड दिया। अभी ये इनहेल स्टीरॉयड कैसे दिया, तो उन्होंने ये रोटा कैप और रोटा हिलर के माध्यम से दिया। तो ये ऐसा रोटा हिलर एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, और ये रोटा कैप ये कमर्शियली अवेलेबल रहता है, एक रोटा कैप कैप्सूल जैसा रहता है। तो ये जो कैप्सूल है इसमें इंसर्ट करना, उसको रोटेट करना, तो सो दैट वो कैप्सूल ब्रेक हो जाती है, उसकी पाउडर बाहर आती है, और कैप्सूल को हमको हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा जो लंग है, उसको इसमें इनहेल करना है। तो कैसे करने का, ये मुंह में डालना है और तो जोर से 3-4 बार सांस लेने का। तो ये जो पाउडर है वो अपने सांस के अंदर डायरेक्ट जाती है, और जब हम ये लेते हैं तो थोड़ा गार्गल कर लेने का, जो पाउडर है मुंह में है वो बाहर जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्यूडेसिनाइड करके जो इनहेल स्टीरॉयड है उसका जो रेस्प्यूल है 400 माइक्रोग्राम का, वो दो रेस्प्यूल सुबह इनहेल करने को दिया, दो रेस्प्यूल रात को इनहेल करने को दिया, मीन्स 800 माइक्रोग्राम 2 times फॉर 5 to 7 days दिया। लेकिन जब ये पेशेंट्स घर में मॉनिटर कर है तो उनको मॉनिटर किया गया, मीन्स नर्स उनके विजिट में जाते, उनका पल्स ऑक्स मॉनिटरिंग होता, डॉक्टर उनको फ़ोन पे कंसल्ट करते, उनका थर्मामीटर दिया कि टेम्परेचर मॉनिटर करो, सैचुरेशन मॉनिटर करो, और उनको बताया गया था कि कुछ डेंजरस साइन है वो रहा, तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। तो उन्होंने रिसर्च में रिजल्ट में क्या पाया कि जो ग्रुप बी है जिनको इनहेल स्टीरॉयड दिया, वो जो ग्रुप के पेशेंट्स हैं उनका एडमिशन 91% से कम हो गया एज कम्पेयर टू ग्रुप ए। 91% अभी तक की जो भी ट्रीटमेंट है इतनी इफेक्टिव नहीं पाई गई जो ये 91% इनहेल स्टीरॉयड से पाया गया, और वो माइल्ड केसेस जो घर में ट्रीटमेंट लेते उनमें, कि यदि माइल्ड पेशेंट्स घर में इनहेल स्टीरॉयड ले तो उनका जो एडमिशन का चांसेस है वो 91% से कम हो जाता है। 91% में से ह्यूज क्वान्टिटी, यदि ये ट्रीटमेंट हम जल्दी से जल्दी फॉलो करें तो जो हमारे एडमिशन का जो ये है रेट है वो बहुत सारा कम हो जाएगा। तो ये इनहेल स्टीरॉयड कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने रिसर्च में पाया गया कि जो पेशेंट्स इनहेल स्टीरॉयड लेते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें जो ACE2 रिसेप्टर रहते हैं, कि जो रिसेप्टर के माध्यम से कोरोना वायरस अपने
सेल्स के अंदर प्रवेश करता है वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, और दूसरी चीज उसकी वजह से वो कोरोना वायरस वहाँ रेप्लिकेट नहीं हो पाता। तो आप सब जानते हैं कि जो कोरोना में जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अभी आईवी स्टीरॉयड है वो आईवी डेक्सामेथासोन और मेथिलप्रेडनिसोलोन वो डेथ प्रिवेंट करता है। तो स्टीरॉयड इफेक्टिव ये पता है। दूसरी चीज ये रिसर्च अभी अभी पता चला कि इनहेल स्टीरॉयड लिया तो जो माइल्ड पेशेंट है उनका जो एडमिशन का रेट है वो 91% से कम हो जाता है। तो दोस्तों यदि ये ट्रीटमेंट हम जल्दी से जल्दी फॉलो करें, और अभी आज जो रिसेंट गाइडलाइंस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्स की भी गाइडलाइंस में इनहेल ब्यूटेसोनाइड रेकमेंड किया है 800 माइक्रोग्राम 2 times पर डे, प्लस टैबलेट आइवरमेक्टिन ये एम्स गाइडलाइन में दिया है, आइवरमेक्टिन टैबलेट 12 मिलीग्राम डे वंस अ डे ऐसा 3 to 5 days लिया, और फीवर के लिए क्रोसिन टैबलेट 500 मिलीग्राम लिया 6 घंटे के अंदर में यदि फीवर रहा तो, और कफ के लिए कफ सिरप और गर्म पानी की भाप ली, तो ऑलमोस्ट 91% चांसेस है कि आपका जो एडमिशन है वो प्रिवेंट हो सकता है, जो सीरियस कोविड होने के चांसेस है वो कम हो सकते हैं। तो मित्रों ये ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के एडवाइस के अंडर वो फॉलो करने की कोशिश करो। यदि आप घर में रह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये मॉनिटरिंग आप ये पल्स ऑक्स के माध्यम से कर सकते हैं। यदि पल्स ऑक्स आपका 93-94 के ऊपर रहा कुछ प्रॉब्लम नहीं, यदि 93-94 के नीचे कम हो गया या 6 minute वॉक टेस्ट में यदि 91-93 के नीचे आ गया या आपके सांस में दिक्कत हो रही है या वो पेशेंट्स बेहोश हो रहा है या फीवर परसिस्टेंट है 3 दिन से ज़्यादा, तो ऐसे पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स यदि आप डॉक्टर हैं तो मैं आपको ये जो रिसर्च हुआ है ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको रिसर्च करो, उसको पढ़ो, अपने पेशेंट्स में जल्दी से जल्दी यूज़ करो, सो दैट जो हेल्थ सिस्टम पे वर्कलोड आ गया है वो कम हो जाए, पेशेंट्स जो सीरियस होने के प्रमाण ज़्यादा हो रहे हैं वो कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जाने हम बचा सकें। तो फ्रेंड्स घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये जो ट्रीटमेंट है वो फॉलो कीजिए, मॉनिटर कीजिए, कुछ सीरियस साइन रहे जो मैंने डिस्कस किया उस समय आप हॉस्पिटल में जाइए, ये ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के अंडर ही लीजिए। घर में रहा तो मास्क पहनिए, खुद को क्वारंटीन कीजिए कम से कम 14 डेज तक, और दूसरों को अपने संपर्क में मत लाने दीजिए। अपना जो घर है उसकी विंडोज ओपन करके रूम वेंटिलेटेड रखिए, थोड़ा योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, गुड वेजिटेरियन डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने की और सुनने की कोशिश कीजिए, अपना मन हमेशा पॉजिटिव रखिए, और यदि ऐसा किया तो आपका कोरोना जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। और ये जो हम कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे तो हम ये कोरोना को बाहर फेंक सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको ऐसे वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपनी हेल्थ अपने हैंड में लेनी है तो मेरी जो कम्युनिटी हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम्युनिटी उसको ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलो फ्रेंड्स हम ये कोरोना को हमारे जो ह्यूमैनिटी उससे दूर करें, हम ये ट्रीटमेंट करें, वैक्सीन लिए लेना चाहिए, और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ की जगह में मत जाइए, और सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड।